की हमारी सॉन्ग मैन क्लास में हमारे साथ राकेश जी हैं और राजेश जी हैं। सुबह मॉर्निंग की क्लास है और हम बात कर रहे हैं एडवांस एसएल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पहले हमने आप लोगों के साथ बात किया था कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर कि कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे यूज किया जाता है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? इसका यूज जो है डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स में भी अच्छा खासा किया जाता है। एक पर्टिकुलर कंडीशन आपको हाईलाइट कर दे। अब हाईलाइट मतलब कि कहने का मतलब है कि हम इसको कलर कर दिए, तो क्या बेनिफिट है इसको कलर करने से? देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए मैंने क्वांटिटी सेल डेटा है आपको मैंने भेजा, तो आपको पूरा ऑलरेडी डेटा लग रहा है पूरा, आप इस तरह से घुमाकर देखोगे राइट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 50 से ऊपर वाले सेल है वो आपको देखने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि 50 से ऊपर वाले को सेल को इस तरह से कलर कर दूंगा किसी पर्टिकुलर कलर से। लेकिन अब तक क्या हुआ कि मैं जब इस फाइल को खोलूंगा तो सबसे पहले मेरी नजर किस पे पड़ेगी? एक कलर पे पड़ेगी। क्या तो इसीलिए हम हाईलाइट करते हैं, बट मैनुअल हाईलाइट करने में तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग के जो रूल्स है उनके जो ट्रिक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक कुछ सेकेंड्स में। YouTube में जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पूरी सिक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरी ऐप को डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ऐप दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें। और मेरे साथ आप जूम पे इस तरह से क्लास लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट ipt.india.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, बाकी कोर्स बिल्कुल ही आपको मिलेगी। वेबसाइट की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप देख लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे कैटेगरीज है, हाईलाइन, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर, आइकन से, उसके अलावा न्यू रूल्स भी है। तो हम वन बाय वन चलते हैं, हम बात करते हैं हाईलाइट एंड सेल्स रूल्स की। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है ग्रेटर देन, हम इस ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपने हिसाब से जो भी फिगर देना है दे दीजिए, और जो भी फिगर आपने दिया उससे जो बड़ा है आपका यहाँ हाईलाइट हो गया। लेकिन एक डिफॉल्ट कलर से आप अपनी खुद की फॉर्मेटिंग करें तो यहाँ देखिए अलग अलग फॉर्मेट्स बने बनाए फॉर्मेट्स है उसको भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके आप अपने हिसाब से नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे एंड ओके कर दीजिए। अगर जस्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई ही नहीं किया है इसको मेंटेन रखेगा, जैसे देखिए 47 है करके डेट में 74 हो जाएगा तो कंडीशन अप्लाई कर, और जैसे यहाँ हमारे यहाँ 59 है इसको हम 19 कर दूं तो फॉर्मेटिंग हट जाए। तो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के काम ये नहीं कि आप फॉर्मेट लगा दें, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो आप लगाते हैं आप जो यहाँ से जो आप कलर करेंगे तो क्या होगा कि ये आपको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू आपकी चेंज होती है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग में ऐसा नहीं है, अगर आपकी वैल्यू चेंज होती है तो अपने आप को चेंज कर लेता है। अब इसमें आगे बढ़ते क्या क्या है इसमें एक बार देख लेते। तो इसमें ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन, तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन के अंदर में आप नंबर, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। तो डेट कैसे, जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 जनवरी से पहले वाले डेट को हाईलाइट करना है तो हमने यहां पे लेस देन और यहां पे 10 जनवरी। अब एक करेंट ईयर है, करेंट ईयर का नहीं है 2020 का है तो ईयर डालना पड़ेगा, करेंट ईयर का होता तो ईयर डालने की जरूरत नहीं। तो यहां पर 10 जनवरी से पहले इसने हाईलाइट कर दिया। तो डेट, नंबर, टाइम और नंबर तीन चीजें डाल सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कर दीजिए कि ग्रेटर देन पूजा, लेस देन देर, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टेक्स्ट पे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क नहीं करता।
इक्वल टू इसमें डाल सकते हैं कि पर्टिकुलर नाम इसे मैंने लिख दिया पूजा, तो जहां जहां पूजा है उसको हाईलाइट कर दिया, या पर्टिकुलर नाम भर के मुझे मान लीजिए HP6 को हाईलाइट करना है तो इक्वल टू HP6 को हाईलाइट कर दिया। इक्वल टू क्या होता है? एग्जैक्ट सेल वैल्यू, और बाकी जो फॉर्मेटिंग चाहिए आप यहां से अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये सब में सेम है, इसे मैं सब में नहीं बता रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं इक्वल टू कोई नेम करता हूं, मैंने लिख दिया पूजा, तो पूजा ने क्या हुआ कि पूजा हाईलाइट हुआ, पर पूजा सिंह, पूजा शर्मा, पूजा केआर शर्मा नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट सेल वैल्यू देता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास होता है टेक्स्ट दैट कंटेन में जैसे मैंने पूजा लिखा, तो पूजा जहां जहां भी है, पूजा, पूजा सिंह, पूजा केआर शर्मा, मैं सबको हाईलाइट कर दिया, चाहे पूजा स्टार्टिंग में हो, चाहे पूजा मिडिल में हो, या पूजा लास्ट में हो, तो सबको हाईलाइट कर दे। यहां से ओके, अब उसके बाद आती है बारी डेट ऑफरिंग। अब डेट ऑफरिंग से पहले मैं यहां पे डेट चेंज कर देता हूं। अब मान लीजिए कि मुझे इस डेट में मुझे अपना डेट हाईलाइट करना, इसमें मुझे अपना डेट हाईलाइट करना, तो कैसे होगा अपना डेट हाईलाइट? तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास होता है ए डेट ऑफ वीक। क्या होता है? ए डेट ऑफ वीक। ठीक है, डेट ऑफरिंग, डेट ऑफरिंग में आप जाएंगे तो यहां से मैं टुडे कर लिया, तो ये देखिए आज की जो डेट है वो हाईलाइट कर दिया, और ये हमेशा आज की डेट हाईलाइट रखेगा। आज 27 सितंबर को हाईलाइट कर रखा है, कल अगर मैं इसको खोलता हूं तो कल ये आपका 28 को हाईलाइट कर देगा, तो ये सिस्टम डेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे और भी चीजें हैं जो आप देख लें, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये पूरा दिया हुआ, ये सब सिस्टम डेट से कनेक्टेड है। ओके सर, ठीक है सर। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर एक सेल में मोर देन वन टाइम वैल्यू होगा वो आपको हेल्प, या यूनिक करेंगे तो जो नंबर सिर्फ एक बार है वो हाईलाइट हो जाएगा, डुप्लीकेट में डबल और यूनिक हो जाएगा, और बाद में जब टाइप करेंगे तो जैसे मैं डुप्लीकेट अप्लाई कर दिया और मैं यहाँ पे 20 डालता हूं तो 20 दोनों हाईलाइट कर जाएगा। ठीक है सर। अब मान लीजिए फॉर्मेटिंग हमने लगा दिया, मुझे रिमूव करना, एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग रिमूव करना है, तो आप यहां क्लियर रूल में सिलेक्ट या पूरी शीट का एंटायर शीट यहां से कर सकते हैं, यहां क्लियर रूल्स में। तो हाईलाइट समझ में आ गया? तो दिक्कत है किसी को? नहीं सर, क्लियर। अब बात करते हैं टॉप बॉटम, टॉप बॉटम रूल्स। अब यहां पे हम आते हैं, मैं करता हूं टॉप 10 आइटम, तो टॉप 10 आइटम को यहां से हाईलाइट कर, जो हाईएस्ट टॉप 10 में होंगे वो हाईलाइट कर देंगे। हाईएस्ट टॉप 10 मतलब ग्रोथ की वैल्यू, वैल्यू की जो सेल की जो वैल्यू है, जैसे कि अगर एक से लेकर 100 तक है तो टॉप 10 में 90 से लेकर 100 तक को हाईलाइट कर देगा। उसके बाद यहां हमारे पास आता है बॉटम 10, बॉटम 10 को हाईलाइट करता है। अब इसमें दो चीज देख रहे होंगे, टॉप 10 परसेंटेज एंड बॉटम 10 परसेंटेज, ये दोनों परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है, तभी आपको समझ में नहीं आएगा, परसेंटाइल फॉर्मूला पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। अब हम एवरेज, अब देखिए अभी इसका सिलेक्टेड सेल का जो एवरेज है 47 है, अगर मैंने अबव एवरेज क्लिक किया तो 47 से जो बड़ा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब अबव एवरेज क्यों जरूरत है? तो क्या होता है कभी कभी हमारे पास, मान लीजिए सेल्स ही ले लीजिए, सेल्स का एक फिगर आया तो आपको बॉस को दिखाना है कि दे आर गुड सेल, तो कैसे बताओगे कि 88 जो है गुड सेल?
कोई बेंचमार्क होगा, जैसे टारगेट हुआ कि टारगेट हमारा बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क से ऊपर गया तो गुड सेल, नीचे आया तो बैड सेल, है सर? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे होगा? कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि भाई गुड सेल है, सबसे हाईएस्ट जो होगा उसी को बोलेंगे गुड ना, सबसे ज्यादा सेल हुई तो वो तो एक ही हो जाएगा, लेकिन आपको गुड सेल में कई सारे बता लें सर। इसमें एवरेज में गुड सेल में जो एवरेज से ऊपर जितना भी होगा उसको हाईलाइट करेगा ना। जी हाँ जी हाँ, तो ये अबव एवरेज हम लोग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम बताते हैं कि एज और एज पर जो सेल्स है अबव एवरेज है। जैसे स्कूल में होते हैं ना कि वहां ये जो स्टूडेंट है ये एवरेज स्टूडेंट है, ये अबव द एवरेज है, ये बिलो द एवरेज, मतलब बहुत स्कूल दोनों में सुनते होंगे। तो एक चीज हम यहां से करते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है कि एवरेज, जैसे बिलो एवरेज अबव एवरेज सिलेक्ट कर लिया तो कल के डेट में अगर वैल्यू चेंज होगी तो एवरेज चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा तो यहाँ फॉर्मेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं डेटा बार। सर इसमें बाय चांस वो 10% वाला छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? सर ये इसमें कुछ नहीं है, परसेंटेज भी कह रहा है आपको, परसेंटेज चलता है, लेकिन ये हाईलाइट 84-88 कैसे कर रहा है वो परसेंटाइल फॉर्मूले से करता है, उसका कैलकुलेशन जो होता है परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना? ऐसा उतना यूज भी नहीं है, इसलिए इसको उतना ध्यान देने की जरूरत है, आगे अभी आएगा बहुत ध्यान देने वाली बात है, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? उसके लिए बचा के रखिए दिमाग। तो अच्छा नहीं, उसमें उसमें अगर मान लीजिए परसेंटेज लिखा हुआ है 0% से 100% का एक कॉलम है, ठीक है? अब उस नहीं नहीं, नहीं 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 परसेंटेज इसके अंदर परसेंटेज लगा उससे कोई मतलब नहीं है। आपने यहाँ पे परसेंटेज कर दिया तो ये आपके लिए परसेंटेज है, एक्सेल के लिए नंबर है, समझे? ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि एक्सेल से एक्सेल परसेंटेज समझ रहा है, नहीं, ये परसेंटेज आपको दिखा रहा है, इसे वो रख रहा है इसमें नंबर ही। तो इसका कहने का मतलब ये आपको जो समझ रहे हैं कि ये परसेंटेज कर दिया तो आप परसेंटेज होगा तो उसी हिसाब से करेगा, नहीं, परसेंटेज कोई नंबर ही रीड करेगा और उस पर ही दोनों चलेगा, ये इसका परसेंटाइल निकालेगा, फिर परसेंटाइल को कन्वर्ट करेगा, एट दैन हाईलाइट करेगा। आपका YouTube पे वाला है सर परसेंटेज का एक्सप्लेनेशन, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिलहाल देखिए क्या चीज है, देखिए हर चीज आपको एट ए टाइम पढ़ना जरूरी नहीं है, कुछ टॉपिक कनेक्टेड होते हैं अगले टॉपिक से, समझ गए ना? तो इसलिए मैं उसको वहां पे स्किप करता हूँ ताकि अगले टॉपिक में उसको मैं समझा दूँ, ठीक है ना? अभी आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला समझाना चाहूँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फंक्शनल फॉर्मूले में जंप करना पड़ेगा, तो टॉपिक मिसबैलेंस हो जाएगा ना सर। ठीक है, ओके। तो आगे ऐसे भी हो गए कि मैं कुछ टॉपिक को स्किप करूंगा, स्किप का मतलब ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं उसको अगले किसी टॉपिक के साथ ज्वाइन करके पढ़ाऊंगा। वो मुझे पूरी तरह से क्लियर है, वो स्किप नहीं हो रहा है, आगे होगा कवर, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा क्रिटिकल था इसलिए मैंने पूछा। चलिए अब डेटा बार में जैसे यहाँ आते हैं तो डेटा बार में आपको यहाँ बार दिख रहा है, ठीक? तो ये बार आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? अब इतने बड़ा डेटा पे, इतने बड़ा डेटा पे कंपेयरिंग के लिए आप चार्ट तो नहीं बना सकते ना? बिल्कुल। तो एक डेटा बार आपको कंपेयर करके दे रहा है कि पूरे ओवरऑल डेटा में किस सेल का क्या पोजीशन, राइट? ये सर। तो ये आप जैसे कि आपको आपके पास कोई रिपोर्ट है और आपको इस तरह से कंपेयर करके दिखाना है तो इस डेटा बार का यूज कर सकते हैं। इसको अगर अलग सेल पे मैं बताऊं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पे बात करते हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं मेरा बार बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, जैसे यहां पे बार ही बढ़ रहा है ना सर। तो ये चीज ये करता है कि नंबर के वैल्यू के हिसाब से पूरे कॉलम के अंदर में जाता है और जानने के बाद वो उसका कैलकुलेशन निकालता है। बाकी यहाँ पे कलर वगैरह है, और जैसे मान लीजिए डेटा बार आपने यहाँ लगा दिया, इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा मैनेज रूल में, यहाँ जितने भी कंडीशन फॉर्मेटिंग आप लगा रखते होंगे सिलेक्टेड में या एंटायर शीट में, वो उसका लिस्ट दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है?
ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू नंबर परसेंटेज फॉर्मूला परसेंटाइल दिख रहा है सर यहाँ। करेक्ट करेक्ट। तो ये आपका जो है इस तरह से कैलकुलेशन सिलेक्ट करते हैं, इसे बात करेंगे एडवांस कंडीशन मॉनिटरिंग क्लास में। अब यहाँ पे जो आपके सामने अगला जो आता है यहाँ पे कलर स्केल, तो कलर स्केल भी आपका इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि आपको कलर में इंडिकेट कर देता है कि जो जितना लाल है उतना छोटा है और जो जितना बड़ा ग्रीन है वो उतना बड़ा है। पर इसका यूज बहुत हम कम करते हैं, लोग ज्यादातर यूज करते हैं डेटा बार का, नहीं तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए आइकन से। आइकन सेट ने क्लियर बता दिया कि ये लोअर वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू है और ये आपका अपर वैल्यू है। और यही जो कैलकुलेशन करके जो बात रहा है ये भी जो है परसेंटाइल को ही यूज कर रहा है, देख रहे हैं आप क्या परसेंटेज दिख रहा है ना। तो इस सब को कैलकुलेट करके इसका कंट्रीब्यूशन निकालता है कि ओवरऑल वैल्यू में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से वो तीन भागों में बांटता है, समझे। और यहां भी परसेंटाइल चलता है, देखिए परसेंटाइल आपने लगा दिया फर्क पड़ेगा, छोटे दर फर्क नहीं पड़ता। अब इसी में मान लीजिए कि मेरे पास यहां क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, राइट। क्वार्टर वन का 50 शेल हुआ, क्वार्टर टू का 60 शेल। अब मुझे ये बताना है कि क्वार्टर टू जो है बड़ा है या क्वार्टर टू छोटा है, क्योंकि इसका अगर कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे फीसर बनाना पड़ेगा ना, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ कंडीशनल प्रॉपर्टी में अगर यूज करते हैं तो ऐसा नहीं, हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने आइकन को यूज कर दिया, ठीक है। क्लियर सर? जी सर। अब इसी मान के चलते रेट में अगर 61 हो गया तो ये आपका स्टेप हो जाएगा। तो डैशबोर्ड भी इसका यूज हम लोग करते हैं। अच्छा मान लीजिए एक और चीज चाहते हैं कि हम एक बार इसको कॉपी करके दूसरे शीट पर ले आते हैं, और क्वांटिटी नहीं, मान लीजिए स्कोर है। मान लीजिए कि एक इंटरनल आप लोगों का टेस्ट हुआ था, सॉरी एक इंटरनल टेस्ट हुआ था, इंटरनल टेस्ट के आपके रिजल्ट्स। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो ग्रेटर देन 60 स्कोर किया है भाई वो तो पास है, जो 40-60 है वो फेल तो नहीं करेगी उसको, लेकिन उसको एक मौका देंगे, हो सकता है काम की लोड से हो, नहीं सही परफॉर्म किया होगा। जो लेस देन 40 है वो फेल, समझे। अब ये चीजें हम यहाँ पे दिशाना ही कोड किस कैटेगरिया में कौन है, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसके लिए ए फॉर नेस्टेडी वगैरह यूज करेंगे और कर भी सकते हैं, लेकिन इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम यहां आते हैं आइकन्स में, हम ए वाली आइकन्स को ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टिक का निशान लगा हुआ है, दैट इज पास, जो एक्सप्रेशन मार्क है ये आपका फेल है, ये रीटेस्ट है और क्रॉस आपका फेल है, ठीक है। लेकिन अभी जो लगा हुआ है वो मेरे क्राइटेरिया पे तो लगा हुआ है, क्या 30 को दिया हुआ, क्योंकि उसने अपना खुद का परसेंटेज करके डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जैसे मैं बताया था आपको परसेंटेज पे चल रहा है, राइट। तो मुझे इसे अपना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि आप अपना खुद का रिजल्ट देना चाहते हैं, वैरी वैल्यू या परसेंटेज जो है, तो यहां परसेंटेज आपको नहीं रखना है, क्योंकि यहां आपको रखना है नंबर। परसेंटेज मतलब जो खुद से परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, लेकिन हम नंबर करेंगे, आप नंबर जब करेंगे तो भले ही वैल्यू यहां परसेंटेज में हो या परसेंटेज डाले बात चलेगा, लेकिन आपको नंबर में ही डालना है। तो यहां हमने बोला कि 60 से जो ऊपर होगा, अब यहां पे क्या है ग्रेटर देन है, अब यहां क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अब चेंज कर लीजिए ग्रेटर देन, और यहां पे मैंने बोला 40, और यहां क्या है 40 से नीचे वाला फेल है, ठीक है। तो 40-60 जो है उस पर दिखाएगा एक्सप्रेशन मार्क,
60 से ऊपर वाले को दिखाएगा एथिक का निशान और 40 से नीचे वाला जो दिखाएगा क्रॉस का निशान, ठीक है। एंड अप्लाई देन। अब मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से यहां मुझे पता भी तो चले कि कौन किसका क्या है, तो मैंने यहां पे 3-2-1 कर दिया। अब 3-2-1 कर दिया और इस पर जाके हमने आइकन लगा दिया, तो 3 वाले को टिक का निशान, 2 वाले इसमें मार्क, 1 वाले को इसे क्रॉस दे दिया। अब हम इसको एक काम कर सकते हैं कि मुझे इसमें नंबर जो शो हो रहा है ना, नंबर शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नंबर दिखा रहे हैं क्या पर्पज, 3-2-1 दिखा रहे हैं क्या पर्पज, हर किसी के दिमाग में ख्याल आएगा कि 3-2-1 है क्या, जो भी देखेगा क्या सर। बिल्कुल, तो यहां हम देखिए आपको ऊपर दिख रहा है शो आइकन ओनली, एक होता है रिवर्स ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आपने 3-2-1 कर दिया, 1-2-3 कर दिया, तो आपको नंबर चेंज करके यार करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को रिवर्स कर देंगे ना तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि 3 को क्रॉस कर देगा और 2 तो रहेगा, 1 को जो है टिक कर निशान दे देगा, तो रिवर्स ऑर्डर यहां से क्लिक करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ओके कीजिए, ठीक है, छोटा कर दीजिए। अब इसी चीज से एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आपके ये जो मान लीजिए एमआरपी का ही बोल रहे थे कि एमआरपी हमारा यहाँ पर है, इसमें हम आइकन सेव कर लीजिए या डेटा वॉल कर लीजिए या कलर स्केल कर लीजिए, कलर स्केल फिलहाल छोड़ देते हैं, मैं डेटा वॉल और आपका आइकन सेव मैं चाहता हूं। अभी हमने क्या किया कि आपको कलर स्केल लगाना है तो कहां लगाइएगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग के डेटा वॉल यहां लगाइए, राइट। बट मैं चाहता नहीं नहीं मुझे यहां ना लगाना, मुझे नंबर के अगले कॉलम में लगाना है, मतलब कि जो टिक का निशान ही देखा आपने और मुझे यहां शो होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन जो है या बाकी और चीजें अभी तक जो चीजें मैंने बताई वो आपका वही पे यूज होगा जो हाँ सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से बाहर यूज नहीं होगा। कैसे करें तो उसके लिए हम ट्रिक अपनाएंगे, अब इक्वल करके इसको लिंक कर देंगे, ठीक है, नीचे तक ड्रैग कर देंगे, इसके मैं अपना डेटा वॉल लगा लेता हूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं और इसको जो है ऊपर शो बार वन, ठीक है, क्लिक करता हूं एंड अप्लाई। क्या लग रहा है आपको, कहेगा कि नहीं इस पे वैल्यू किया गया क्या सर। तो कहने का मतलब है कि हम छलावा क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, छलावा, समझे। चलिए अब एक चीज यहां पे देखते हैं कि अभी जो हम अभी तक जो चीजें बताई उसमें क्या था कि आपका इसी देख लीजिए कि इसमें आपको ग्रेटर देन तो है बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन तो है लेस देन इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू नहीं, क्या टेक्स्ट देन कंटेन है बिगिन विथ नहीं है स्टार्ट विथ नहीं है, तो ये चीजें देख रहे हैं यहां जो बाहर जो चीजें दिख रही है आपको, ये बाहर दिख रही है आपको मोस्ट यूजेज कमांड, क्या दिख रहा है मोस्ट यूजेज कमांड। अब इसके जो मोर रूल्स है नीचे जो दिख रहा है सबसे और या फिर न्यू रूल्स जो है उसमें जब जाएंगे तो इसके बाकी के रूल्स आपको पता चलेगा, जैसे यहां देख बिटवीन नॉट बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है सर। तो यहां से अप्लाई कर सकते, कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, सिलेक्ट किया यहां पे वैल्यू डाला, यहां पे फिर फॉर्मेट पे क्लिक किया और फिर फॉर्मेटिंग सिलेक्ट किया एंड जस्ट ओके कर, राइट सर, जस्ट ओके कर, तो आपका अप्लाई हो जाए। इसमें और भी चीजें हैं, अब सेल वैल्यू है यहां पे, सेल वैल्यू को यहां पे कीजिए, आपको दिख रहा है टेक्स्ट, अभी जो आपने किया सेल वैल्यू पे किया मतलब नंबर्स पे, अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर ये टेक्स्ट आ जाता है, यहां पे कंटेनिंग दिख रहा है करेक्ट, दूसरा नॉट कंटेनिंग बिगेन विथ और स्टार्ट विथ, जैसे मान लीजिए मैंने किया तो पूजा हो गया,
अगर बिगेन विथ कर दिया तो उसी सेल को हाईलाइट करेगा जिसमें पूजा फर्स्ट में लिखा हो। अगर पूजा बीच में कुमार पूजा लिखा हो तो वो हाईलाइट नहीं करेगा। वो हाईलाइट कब करेगा? जब हम एंड विथ लें तो वो पूजा का हाईलाइट, पूजा सिंह को हाईलाइट नहीं करेगा, सिंह पूजा को हाईलाइट करेगा, क्योंकि पूजा लास्ट में। और कंटेनिंग कर लिया आपने तो वो कहीं भी करे, जैसे नॉर्मली बाहर यूज करते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टोटल 3 क्लासेस आपकी होगी। आज मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दिया, कल इसमें और भी कुछ ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूले आपको लगा के दिखाएंगे। और तीसरी जो क्लास कब होगी? जब हम फॉर्मूले वगैरह सीख जाएंगे, देन हम बात करेंगे एडवांस कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ठीक है ना, यूज फॉर्मूला, ठीक है। तो कल जो हम बात करेंगे, कल हम छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स और छोटी छोटी कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे जो जनरली सबको पता होता है। उसके बाद अगली क्लास में आपको जो है, जब फॉर्मूला हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा 10 या 15 क्लास बाद, देन हम बात करेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एडवांस डेटा एनालिसिस। दोनों सिमिलर है और दोनों में फॉर्मूला यूज होता है, तो दोनों हम एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज भी इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम।